नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक टाइम पे आपका फूड कितना सेफ है। स्पेशली वो फूड जो आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आप रेस्टोरेंट पर जाके वो फूड खा रहे हैं। अगर आप फूडी हैं तो डेफिनेटली आप रेस्टोरेंट पर जाके या फूड ऑर्डर कर रहे होंगे जोमेटो, स्विगी या फिर फूड पांडा से। तो गाइज बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, एज पर द वायरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं गाइस जो वायरसेस पे स्टडीज करते हैं, जो वायरसेस को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, यानी कि वो रिसर्चर होते हैं, उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होती है, पीएचडी लोग होते हैं। उन लोगों का मानना है कि फूड से भाई कोरोना वायरस हमारा नहीं फैल रहा, कोरोना वायरस बिल्कुल भी फूड से नहीं फैल रहा, तो आपका फूड बिल्कुल सेफ है। लेकिन उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, मान लीजिए 0.0001% फूड में चला भी जाता है कोरोना वायरस, तो आपको किन दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप वही फूड खाइए जो अच्छे से पका हुआ हो, जो अच्छे से हीट हुआ हो, यानी कि गर्म फूड में उनका मानना है कि कोरोना वायरस मर जाता है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि ऐसा एक वायरस आया था 1968 और 1972 के बीच में जो कि फूड से फैल रहा था। उस वायरस का नाम था गाइस नोरो वायरस। नोरो वायरस ऐसा वायरस था जो फूड से फैल रहा था, और उसने किस किस इंडस्ट्रीज को प्रभावित करा, फूड इंडस्ट्री यानी रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया और क्रूज शिप्स, मतलब इन तीनों को उसने कम्प्लीटली प्रभावित करा था वो वायरस जो है फूड से फैल रहा था। लेकिन उस वायरस को भी कैसे मारा गया, कैसे उसको किल करा गया, आपके फूड को अच्छे से उन लोगों ने गर्म करा। तो उन लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस भी अगर गलती से आपके फूड में चला भी जाता है तो अच्छे से गर्म करके खाने को खाइए, कोरोना वायरस मर जाएगा। गाइज तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई, तीसरी चीज बताई ये उन लोगों के लिए है जो फूड पांडा से, जो जोमेटो से, जो स्विगी से और तमाम ऐसे रेस्टोरेंट से फूड अपने घर में ऑर्डर कर रहे हैं। उन लोगों ने उसके लिए प्रिकॉशन क्या बताया, फूड में तो डेफिनेटली आपका कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जिस कंटेनर में वो फूड आ रहा हो उस कंटेनर के बाहर कोरोना वायरस के मिलने के आसार हैं। तो आप सबसे पहले गाइस क्या करें, अगर आप फूड जोमेटो से सपोज कीजिए आपके घर में फूड आया है, तो सबसे पहले अपने हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, फिर उस कंटेनर से अपने फूड को निकाल के अपने घर के कंटेनर में डालें, उस कंटेनर को डिस्पोजल करें, उसको फेंक दें अपने डस्टबिन में। उसके बाद जो फूड आपने अपने बर्तन में घर में डाला है, या तो उसको अपने गैस पे अच्छे से गर्म कीजिए या फिर माइक्रोवेव में जितना हो सकता है उतना अच्छे से गर्म कीजिए और फिर उस फूड को खाइए। तो गाइस इस तरीके से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके फूड में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे। किसने बोला है, वायरोलॉजिस्ट ने। मैं एक बार फिर बता दूं, वो आर्टिकल जहां मैंने पढ़ा था forbes.com की वेबसाइट है, अब वहां पे भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और लोगों तक आप जरूर शेयर करेंगे। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।